हेलो, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जिम्मेवारी से जियो, बी 100% रिस्पॉन्सिबल। होता क्या है कि हम हमारे वातावरण में हमेशा देखते हैं कि क्या नहीं चल रहा है, मतलब हमारे जीवन में जो भी कुछ नहीं बराबर हो रहा है, जो भी नहीं चल रहा है, तो हम देखते हैं कि उसके लिए कारण क्या है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है। ऐसा उसके लिए बाहर के लोग जिम्मेवार है, हमारे घर के लोग जिम्मेवार है, हमारा पड़ोसी जिम्मेवार है, हमारी गवर्नमेंट जिम्मेवार है, वातावरण जिम्मेवार है, मार्केट जिम्मेवार है, मतलब जो भी मेरे लाइफ में नहीं चल रहा है उसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये मैं बाहर देखते रहता हूं। एक्चुअली ये बाहर देखने की चीजें नहीं, यदि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना है, असामान्य जीवन मुझे जीना है, तो मुझे हर चीज की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, हर चीज की मुझे जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हम ऐसा देखते हैं कि नहीं, मेरा हैप्पीनेस है ना लोगों के ऊपर डिपेंड, मुझे लगता है कि मेरा आनंद जो है वो मुझे लोगों से मिलना चाहिए, लोगों ने मेरी केयर करना चाहिए, लोगों ने मेरी वाह वाह करना चाहिए, लोगों ने मुझे मदद करना चाहिए। जब लाइफ में, जब अपने जीवन में कोई चलता नहीं है बराबर, काम नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते, लोगों के ऊपर तुरंत उंगली उठाते हैं, तो ये उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, इसका कारण ये है, उसके कारण वो है। हमको वो देखना है कि एक्चुअली जिम्मेवार है कौन, क्योंकि हम जीवन में देखते कि जिम्मेवार और कोई है, वहां से यदि आप जिएंगे तो असामान्य जीवन नहीं जी सकते। आपको असामान्य जीवन जीना है तो हर चीज की जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। मुझे एक कहानी याद आती है, एक व्यक्ति स्ट्रीट लैंप के नीचे, सड़क पे जो स्ट्रीट लैंप रहता है, सड़क का लाइट, उसके नीचे चाबी ढूंढ रहा था। तो एक पासर बाय वहां से जा रहा था, एक दूसरा आदमी चलने वाला, वो उसको पूछने लगा कि भाई क्या कर रहा है। बोले मैं चाबी ढूंढ रहा हूं। तो भी उसके साथ चाबी ढूंढने लगा सड़क के लैंप के नीचे। तो फिर काफी समय होने के बाद में चाबी मिली नहीं, तो जो रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति था उसने उसको पूछा लड़के को कि चाबी कहां घूमी। बोले चाबी वो मेरा मकान है ना, वहां मैंने ताला लगाया, वहां कहीं कभी घूमी नहीं। फिर तुम यहां क्या कर रहे हो, यहां क्यों ढूंढ रहे हो। तो बोले यहां लाइट देकर के मैं ढूंढ रहा हूं। चाबी कहां ढूंढना पड़ता है, चाबी जहां घूमी वहां देखना पड़ता है। चाबी एक्चुअली यहां घूमी रहती है, दिमाग में चाबी घूमी रहती है। हमको कहां देखना है एक लाइफ, हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से जीना है तो हमको हमारे में देखना है कि मैं कैसा उसके जिम्मेवार हूं, मैं उसके लिए कारणीभूत कैसा हूं। आप अपने आप से पूछो, क्या आपने कभी किसी को दोषी माना है अपने लाइफ में, ये नहीं हुआ उसके लिए वो दोषी है, ये नहीं हुआ उसके लिए वो दोषी है, ये नहीं हुआ उसके लिए वो दोषी है। क्या आपने अपने लाइफ में, अपने जीवन में किसी के बारे में शिकायत की है। जहां जहां आप शिकायत करते हो, जहां जहां आप लोगों के ऊपर उंगली उठाते हो, समझ लो कि आपने वहां जिम्मेवारी नहीं ली है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका रिश्ता बराबर नहीं चल रहा है, आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, आपकी खुद की पढ़ाई नहीं हो रही है, आपका इनकम जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, आपको लोग मदद नहीं कर रहे हैं, जो भी आपके जीवन में हो रहा है, घटित हो रहा है, वहां आपको यहां से देखना है कि जो भी हो रहा है उसके लिए मैं कारणीभूत हूं, उसका कारण मैं है। आपको वहां खड़ा रहना है। ऐसा वास्तव में आप कारणीभूत है क्या, पता नहीं, वास्तव में नहीं भी होंगे आप कारणीभूत, मगर यह एक खुद ने बोलने की बात है, खुद ने यह घोषणा करने की बात है कि नहीं जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है वहां, क्योंकि जब आप बोलेंगे कि नहीं जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है उसके लिए कारणीभूत मैं हूं, तो फिर क्या होता है, वहां फिर आप खड़े रह के देख सकते हो कि मैंने क्या नहीं किया, मैंने क्या करना चाहिए था, मैं क्या कर सकता था, मतलब हम कारण फिर देख सकते हैं कि मैं कारणीभूत जब मैं हूं तो फिर मैं देख सकता हूं कि मैंने क्या क्या करना चाहिए था। जो रिजल्ट मुझे नहीं मिले, जो सक्सेस मुझे नहीं मिला, जो रिश्ता मेरा नहीं चल रहा है, वहां मैंने क्या करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्या किया कि सामने वाले ने वैसा बिहेवियर किया, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मैंने ऐसा क्या किया कि मार्केट टाइट हो गया। मतलब एक वो क्रिएशन की बात है, एक निर्माण करना है अपने आप को, वहां खड़े रह के एक घोषणा करना है, खुद को खड़ा रहना है, खुद को स्टैंड करना है और वहां खड़े रह के देखना है, एक क्रिएशन की बात है कि भाई जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है उसके लिए कारणीभूत मैं हूं। अभी हमको ये भी यहां देखना है
कि भाई जो भी हो रहा है उसके लिए 100% जवाबदार मैं हूं। क्योंकि होता क्या है कि हम ऐसा क्रिएट करते हैं कि नहीं नहीं मैं जिम्मेवार हूं, मगर सामने वाला तो कुछ ना कुछ जिम्मेवार है ना। क्या तो मैं बोलता हूँ नहीं ठीक है समझ के चलो कि मैं 75% जिम्मेवार हूं, सामने वाला 25 तो है ना, या फिर नहीं कुछ लोग बोलते नहीं नहीं 50% मैं हूं 50% वो है। ताली दोनों हाथ से बजती है, ऐसा लोग बोलते हम उसकी बात नहीं कर रहे। फिर कुछ लोग बोलते नहीं नहीं चलो मैं 75% हूं 25% हुए ठीक है चलो छोड़ो मैं 90% हूं, मगर वो 10% है ना, हम उसकी भी बात नहीं कर रहे। हम बात उसकी कर रहे हैं कि 100% जिम्मेवार मैं हूं, और 100% जिम्मेवार मैं हूं जो भी नहीं हो रहा उसके लिए सामने वाला जो है व्यक्ति, सामने वाली व्यक्ति हो, कंडीशन हो, लाइफ की और कोई बात हो, जो भी हो रहा है उसका 0% कॉन्ट्रीब्यूशन। जो भी हो रहा 100% मेरी जिम्मेवारी। जब मैं यहां से ऑपरेट करता हूं कि लाइक 100% जिम्मेवारी मेरी है, और वहां से मैं जब देखता हूं तो फिर वहां से कुछ ना कुछ चीजें ओपन हो जाएंगी, वहां कुछ मैं कृति कर सकता हूं, कुछ मैं एक्शन ले सकता हूं। आप समझ लो कि आपके लाइफ में जब भी कोई बात बराबर नहीं चल रही है, अच्छी नहीं चल रही है, वहां क्रिएट करो, वहां एक निर्माण करो, एक स्टेटमेंट खुद को खुद दो कि अभी जो भी कुछ हो रहा है ये मैं जैसा चाहता हूं ऐसा नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं कारणीभूत हूं, और मैं कारणीभूत हूं यहां खड़े रह के यदि आप देखते हैं तो आपको काफी सारे रास्ते मिल जाएंगे काम करने के, काफी सारे एक्शंस आपको दिखेंगे, काफी सारी कृति आपको दिखेंगी करने योग्य कि जो आप कृति करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ हल निकलेगा। तो ये आप मतलब ऐसा ये जो है कि मैं जिम्मेवार हूं, ये आप किसको ऐसा बोल नहीं सकते कि तू जिम्मेवार है, मतलब लोगों को आप जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। वो तो हम करते रहते हैं कि लोग जिम्मेवार है, मैं यहां क्या बोल रहा हूं कि लोग जिम्मेवार है ऐसा आप नहीं बोल सकते। आप ये बोल सकते हैं कि जो भी हो रहा है उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं, मैं कारण हूं। अच्छा जिम्मेवार हूं इसका मतलब मैंने शरण में गया, जिम्मेवार में हो गया इसका मतलब मैंने गुनाह कबूल किया, ऐसी भी बात नहीं है। जिम्मेवारी लेना एक ये बड़ी बहुत बड़ी बात होती है जिंदगी में, कि मतलब लोग अक्सर ऐसा नहीं कहते हैं, लोग तो बस दोष देना चालू करते, ब्लेम करना चालू करते, लोगों के ऊपर उंगलियां उठाना चालू करते, हम तो उल्टी बात करते। तो हम यदि आपको एक्स्ट्रा लाइफ जीने तो आपने बस एक ही काम करने का है कि जहां भी आप हो, जो भी जगह पे आप हो, जो भी समय पे आप हो, आप जिसके भी साथ हो, आपके मन के खिलाफ हो रहा है, जैसे रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए वैसे नहीं मिल रहे, जो भी चीजें होनी चाहिए वो चीजें नहीं हो रही है, बस वहां खड़े रहना है कि क्या ये मैंने निर्माण किया है, क्या इसका कारणीभूत मैं हूं, वहां खड़े रहना है। और फिर देखो लाइफ कितना मजेदार हो जाएगा, कितना बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा, कितनी बड़ी बड़ी बातें लाइफ में हो सकती है, और एक लाइफ बहुत ही मतलब ऐसा जीने योग्य लाइफ बन सकता है, और बहुत बड़े रिजल्ट्स आप कॉज कर सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ये इसके बारे में और मतलब इसके ये विषय से जो और कुछ विषय है जुड़े हुए इसके बारे में आपको देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, वो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, फेसबुक पे भी आप जा सकते हो, मेरा पेज जो है फेसबुक का वहां शेयर कर सकते हो, हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट से भी आपको जानकारी मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।